दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। सर्दियों में गर्म पानी के ये नुकसान जानकर हैरान हो जाओगे। आपने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि गर्म पानी से अच्छी ड्रिंक कोई नहीं है, न चाय, न कॉफी, न शरबत। गर्म पानी के आगे सारी चीजें बेकार है। और जब से महामारी का दौर आया है तब से तो लोगों ने गर्म पानी को अमृत समझकर पीना शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां एक तरफ गर्म पानी आप सभी के शरीर में फायदा पहुंचाता है, तो वहीं दूसरी तरफ इसका एक ऐसा सच भी है जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो तैयार हो जाइए गर्म पानी की असली सच्चाई सुनने के लिए, जिसे आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों एक नॉर्मल इंसान के शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी से बना होता है, और पानी शरीर में नमी को बरकरार रखता है। इसलिए कहते हैं हर रोज 7 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। लेकिन जब बात सर्दियों की आती है तो इस मौसम में 7 गिलास पानी पीना तो दूर की बात है। 1 गिलास पानी भी ढंग से गले के नीचे नहीं उतरता। हालांकि कुछ लोग सर्दियों में भी जरूरत से ज्यादा पानी पी जाते हैं, लेकिन जब लोग गर्म पानी पीते हैं तो सर्दियों में अपने शरीर के अंदर गर्माहट बनाए रखने के लिए वो जरूरत से ज्यादा पानी पी जाते हैं, जिसका उन्हें एहसास भी नहीं होता। जबकि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आता कि जरूरत से ज्यादा गर्म पानी पीने से उनकी बॉडी में पानी का जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है, जिसकी वजह से शरीर में कई सारी परेशानियां कब्जा करने लगेंगी। अब आप सोचेंगे भला ये कैसे? तो दोस्तों गर्म पानी पीने से शरीर के अंदरूनी हिस्सों को ज्यादा नुकसान पहुंचता है। गर्म पानी पीने का सबसे अधिक असर किडनी पर पड़ता है। हमारी किडनी में खास कैपिलरी सिस्टम होता है जो शरीर में मौजूद एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है, परंतु ज्यादा गर्म पानी पीने से समस्या पैदा हो सकती है। यहाँ तक कि कई सारी स्टडीज में भी पाया गया है कि गर्म पानी किडनी की फंक्शनिंग में रुकावट पैदा करता है। और ये बात तो आप भी जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर के लिए किडनी का बढ़िया तरीके से काम करना कितना जरूरी है। इसलिए जनाब, अगर आपको अपनी किडनी की फंक्शनिंग सही रखनी है तो गर्म पानी को लिमिट में पीजिए। और आप हमारी माने तो गर्म पानी के बजाय गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें, न सिर्फ पीने के लिए बल्कि नहाने के लिए भी। क्योंकि शायद आपको न पता हो पर ज्यादा गर्म पानी से नहाने पर आपकी स्किन की जो नमी है वो खत्म हो सकती है, जिसके कारण स्किन एलर्जी होने लगती है। झुर्रियां पड़ना और त्वचा में रूखापन जैसी समस्याएं इस तरह की कंडीशन में बिल्कुल आम हो जाती हैं। आपने ये चीज देखी होगी कि जब आप गर्म पानी से नहाते हैं तो आपकी स्किन में बदलाव आने लगते हैं। हालांकि गर्म पानी से नहाना रिलैक्सिंग तो होता है, लेकिन ये आपकी स्किन के लिए उतना ज्यादा असरकारक नहीं माना जाता है। और जनाब नहाना तो छोड़ दीजिए, अगर आप लगातार गर्म पानी पीते हैं तो पेट में जलन की समस्या पैदा होने लगती है। असल में हमारे शरीर के अंदर जो टिश्यू होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, जिसकी वजह से अधिक गर्म पानी पीने के कारण शरीर के अंदरूनी अंगों में छाले पड़ जाते हैं, जो कुछ समय बाद पेट में अल्सर जैसी बड़ी बीमारी का रूप भी ले सकते हैं। डॉक्टर की माने तो ठंड के समय पूरा दिन गर्म पानी पीने से सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। साथ ही बिना प्यास के गर्म पानी दिन भर पीने से दिमाग की नसों में सूजन की समस्या भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से दिमाग पर प्रेशर बढ़ जाता है और सिर दर्द की समस्या शुरू हो जाती है। दोस्तों ज्यादा गर्म पानी पीने से शरीर में खून की मात्रा पर भी असर पड़ता है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट से संबंधित कई दूसरी परेशानियां हो सकती है। सर्दियों में लगातार गर्म पानी पीने से खून के अंदर मौजूद इलेक्ट्रोलाइट पतले होने लगते हैं, जिसकी वजह से जो सेल्स होते हैं उसमें सूजन आ जाती है, जिस कारण शरीर में लगातार दर्द बने रहने की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है। और अगर आप थोड़े आलसी किस्म के इंसान हैं तो रात के वक्त बार बार गर्म पानी का सेवन न करें, वरना जरूरत से कुछ ज्यादा ही टॉयलेट जाना पड़ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद खराब हो जाएगी। और जब इस तरह की सिचुएशन लंबे समय तक चलती है तो इंसोम्निया यानी नींद न आने की बीमारी हो जाती है, जो लोगों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि जब हम नींद लेते हैं तो हमारा दिमाग सारी थकावट को साइड में करके एक नई शुरुआत करने का मौका देता है, और इसलिए सोकर उठने के बाद हम इतना फ्रेश फील करते हैं। लेकिन जो इंसान इंसोम्निया जैसी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है उसके लिए हर समय खराब ही होता है। अच्छी तरह से नहीं नींद ले पाने के कारण मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है,
और कई सारी बड़ी बीमारियां इंसान को घेर लेती हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि रात के वक्त गर्म पानी पीने से लोगों को नींद आने में परेशानी होती है। हमें मालूम है हर वक्त फायदेमंद कहलाया जाने वाला गर्म पानी इस हद तक नुकसानदायक होगा, ये आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, हमने आपको जितनी भी बातें बताई वो सारी सच्ची हैं। अक्सर हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना भूल जाते हैं, पर लंबे समय तक गर्म पानी पीते रहने से लोगों को भूख न लगने की समस्या भी झेलनी पड़ती है, क्योंकि गर्म पानी पीने के बाद पेट भरा भरा सा लगता है, पर जब ठंडा पानी पीते हैं तो आपको इस तरह की फीलिंग नहीं होती। लेकिन अगर आप अभी गर्म पानी पी लें तो आपको लगता है आपने कुछ ज्यादा ही पानी पी लिया है, जिसकी वजह से इंसान अपनी भूख से समझौता कर लेता है और खाने की इच्छा धीरे धीरे कम होने लगती है। यानी गर्म पानी पीना आपकी डाइट के लिए सही नहीं है, एक ऐसी समस्या है जिस पर जाने अनजाने किसी का ध्यान नहीं जाता और लोग इसे नजरअंदाज करते रहते हैं। और जब तक लोग समझ पाते हैं उनके साथ क्या हो रहा है, तब तक कोई ना कोई बीमारी उन्हें अपना शिकार बना चुकी होती है। नींद ना आना या भूख ना लगना जैसी चीजें शुरुआत में बहुत नॉर्मल है, पर आगे चलकर यही चीजें मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग जैसी तमाम बड़ी बीमारियों का कारण बन जाती है, जिनसे अगर आपको बचना है तो कुछ बातों को ध्यान रखना ही होगा। सबसे पहली बात, आपको पानी हमेशा लिमिट में पीना है, फिर चाहे वो कैसा भी हो। और जब बात गर्म पानी की आती है तो ठंड के मौसम में भले ही अच्छा लगे, लेकिन बिल्कुल खौलता हुआ पानी कभी नहीं पीना चाहिए। पानी को गुनगुना करके पी सकते हैं, जो हर तरह से आपके लिए फायदेमंद होगा। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताइए। इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।